हेलो एवरीवन, मोमोज की रेसिपी लिए मैंने सोयाबीन ले लिया है। सोयाबीन को गर्म पानी में दे दिया ताकि ये थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर सकूं। और इसे में ही ग्राइंड करेंगे ताकि जो है स्टफिंग करने में हमें आसानी हो। कैबेज पत्ता गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद मैंने मिक्सर ग्राइंडर में सोयाबीन को ऐड किया। सोयाबीन को ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा कद्दूकस टाइप का करूँगी और सारे स्टफ रेडी हैं। मिर्च, लहसुन, प्याज एंड पत्ता गोभी और सोयाबीन, इसे मैं रेडी कर चुकी हूँ। रेडी करने के बाद अब आती है मोमोज की चटनी की बारी। तो मोमोज की चटनी के लिए मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर को पानी में बॉईल करूँगी। टमाटर, लाल मिर्च और थोड़े से लहसुन को उसे गर्म पानी में बॉईल करने के बाद मैं उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस दूँगी। ये मोमोज की चटनी रेडी है। मोमोज की चटनी के बाद अब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने मैंगो लस्सी बनाई। मैंगो लस्सी पीने के बाद अब आती है मैदा की बारी। तो मैदा में मैंने नमक थोड़ा सा मिलाया और इसे जो है ना हार्ड कूटेंगे। हार्ड इसे नीड नहीं करनी है ना सॉफ्ट नीड, मतलब मीडियम, आपको सेमी मीडियम रखना है। उसके बाद इस आटा को घुटने के बाद मैंने उसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया। अब मैं इसे स्टफिंग तैयार करूँगी। स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद उसमें लहसुन डाला। लहसुन के बाद मिर्च। मिर्च ऐड करने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा ही पकाना है। ज़्यादा पकाएंगे तो ये जल जाएगा, तो खाली इसका कच्चापन को हटाना है। उसके बाद ये अच्छे से रेडी होगा। उसके बाद मैं इसमें कैबेज डालूँगी। कैबेज डालने के बाद अनियन डालने के बाद सोया, ये सब डालने के बाद मैं बहुत ही कम समय के लिए पकाऊंगी। इसका जो है कच्चापन हमें निकालना है। कच्चापन अगर निकल गया तो ये स्टफिंग बहुत ही अच्छे से तैयार होगी और खाने में मोमोज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप लोग भी इस तरह घर में ट्राई कर सकते हैं मोमोज बनाने के लिए। मोमोज बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि ये स्टीम में पकाई जाती है। आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं तेल में, लेकिन मैं इसे स्टीम करके पकाऊंगी। और इसे हल्के हल्के कुछ समय के लिए पकाना है ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए और कुछ टेस्ट आ जाए। इसमें कुछ ऐड नहीं करना, बस नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, या फिर आप मैगी मसाला ऐड कर सकते हो। तो मैंने मैगी मसाला ऐड किया और मिर्च डालिया और ज़्यादा कुछ स्पेशल मसाला नहीं। तो स्टफिंग मेरी रेडी हो गई। इसे मैं ठंडा करने के लिए रख दी हूँ। ठंडा होने के बाद मैं इसे अच्छे से फिल करूँगी। गरम नहीं फिल करूँगी, ठंडा होगा उसके बाद मैं फिल करूँगी। तो अब चलती हूँ मैं आटा मैदा का बॉल्स बनाने। सारे मैंने बॉल्स बना के रेडी कर लिया है। अब मैं इसे फिल करूँगी। तो फिल करने का तरीका देखिए, इस तरीके से मैं इसे फिल कर रही हूँ। किनारे पे पानी लगाए, स्टप को भरे, उसके बाद इसे इस तरह से राउंड करें और हमारा मोमोज रेडी। सारे मोमोज को मैंने इस तरह तरीके से फिल कर लिया है। अब मोमोज हमारा रेडी है स्टीम होने के लिए। तो मैं स्टीम होने के लिए पानी को बॉयल करने दे दी हूँ। अब मैं छलनी के ऊपर एक एक मोमोज को रखूंगी और फिर से अच्छे से ढक दूंगी ताकि ये स्टीम में अच्छे से पके 7 और 8 मिनट तक आप इसे पकाएं। उसके बाद हमारी मोमोज रेडी है। तो खाइए, बनाइए और मस्त रहे, और मोमोज की चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए। थैंक यू गाइस। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।